फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इसी साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु मूवी जोम्बी रेड्डी का। ये एक जोम्बी कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था प्रशांत वर्मा ने। मूवी के स्टार कास्ट में थे सज्जा तेजा और आनंदी। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। अरे हाँ, एक बात और, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग एक चाय की दुकान पे टीवी देख रहे थे, जहां टीवी पे ये बताया जा रहा था कि कोरोना के चलते पूरे देश में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कुछ लोग इसे मजाक बना रहे थे, तभी एक आदमी आके उन्हें बताता है कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, हमें इससे बचना चाहिए। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरते हुए गिर जाता है और उसके पास काफ़ी सारा पैसा था जो वहीं गिर जाता है, और ये सब वहीं बैठा एक आदमी देख लेता है। तो वो उस आदमी का पीछा करता है। उस आदमी का घर जंगल में एक सुनसान इलाके में था, तो वो दूसरा आदमी पैसे चुराने के चक्कर में उसके घर में घुस जाता है। अंदर जाके वो देखता है तो घर में सांप बिच्छू रखे गए थे। तभी कोई उस पे पीछे से वार करता है और वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो पलंग पे बंधा था और उसके बाजू वाले बेड पे एक लाश थी, तो वो डर जाता है। तभी मास्क पहने एक आदमी आता है और उसे उसकी बनाई कोरोना की वैक्सीन लगाता है, और वैक्सीन लगाते ही वो आदमी छटपटाने लगता है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, लेकिन अब वो जोम्बी बन चुका था। सीन यहीं कट होता है। ये है मारियो, पेशे से एक गेम डिज़ाइनर है जो अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहता है। मारियो और उसके पापा में मीठी नोकझोंक होती रहती है। मारियो देखता है कि उसकी बनाई गेम ने 1 मिलियन डाउनलोड किए हैं, तो वो खुश हो जाता है और अपने दोस्त मैगी और बद्रम के पास पहुँच के उन्हें ये खबर देता है। वहीं उसको पता चलता है कि गेम हायर लेवल पर जाके क्रैश हो जाती है। वो कंप्यूटर पे देखता है कि लोगों की बताई बात भी सच थी। अब ये बग्स ठीक करने के लिए उन्हें उनके दोस्त कल्याण की ज़रूरत थी, जो कि उनके साथ ही काम करता है। तो मारियो उसे फ़ोन करता है, लेकिन उसकी शादी थी तो वो कर्नूल में था। तो मारियो भी मैगी और बद्रम को लेके कर्नूल जाने निकल पड़ता है। रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक आदमी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, और वो आदमी वहीं जोम्बी था, और वो बद्रम को काट लेता है, और इतनी ज़ोरदार टक्कर होने के बावजूद वो खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी आके उसे इंजेक्शन लगा देता है और मारियो को बताते हैं कि ये आदमी पागल है, और उसे वापस जंगल में ले जाता है। ये वही आदमी है जिसने उसे कोरोना की वैक्सीन लगाई थी। ये है बूमा रेड्डी। कल्याण इन्हीं की बेटी से शादी कर रहा था। उनके पास काफ़ी पहलवान थे और वो वहीं लाठी लड़ाई देख रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो भी अच्छी तरह से लाठी चला लेती थी। बूमा रेड्डी के पूछने पर वो बताती है कि वो उनके दोस्त बुक्का रेड्डी की बेटी है। बूमा रेड्डी और बुक्का रेड्डी अच्छे दोस्त थे, तो वो नंदिनी को शादी में रहने की इजाज़त दे देते हैं और अपने आदमियों को कहते हैं कि जब तक दामाद जी यहाँ है कोई हथियार नहीं निकालेगा। दूसरी ओर मारियो गाँव में जाके किसी आदमी से बूमा रेड्डी का घर पूछता है और बताता है कि वो उनके घर शादी में आए हैं। तो वो सारे उनकी गाड़ी में चढ़ जाते हैं और उनको सीधा वीरा रेड्डी के घर पहुंचा देते हैं। वीरा रेड्डी अपने पिताजी कोंडा रेड्डी को चलते हुए देखना चाहते हैं, और इसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं। और जब वीरा रेड्डी को पता चलता है कि डॉक्टर उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो उस डॉक्टर को मार डालते हैं। अब बूमा रेड्डी और वीरा रेड्डी के बीच दुश्मनी थी। अब ये दुश्मनी क्या थी ये हमें आगे पता चलेगा। जब वीरा रेड्डी को ये पता चलता है कि ये लोग बूमा रेड्डी के यहाँ शादी में आए हैं, तो वो उन्हें मार डालने का हुक्म देता है, लेकिन मारियो उनकी पिटाई करके वहाँ से बच निकलता है और सीधा बूमा रेड्डी के घर पहुँचता है। वहाँ कल्याण को शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। मारियो कल्याण से कहता है कि पहले वो गेम के बग्स ठीक करे। वहाँ उसकी मुलाकात नंदिनी से होती है। बूमा रेड्डी उन्हें शादी तक यहाँ रुक जाने को कहते हैं, और नंदिनी कल्याण को वहाँ से ले जाती है। वहीं रहते हुए मारियो को शक होता है कि कुछ न कुछ तो गलत होने वाला है। लोगों की बातों से उसे शक होता है कि कहीं ना कहीं कल्याण की जान को खतरा है। बूमा रेड्डी के घर जब सब लोग मंदिर गए हुए थे, तो वहाँ की नौकरानी वहाँ के जेवरात की चोरी करती है, और तभी वहाँ बद्रम पहुँच जाता है। जोम्बी के काटने के कारण बद्रम भी अब जोम्बी बन चुका था, तो वो उस नौकरानी को भी काट लेता है, तो वो नौकरानी भी जोम्बी बन जाती है और बाहर जाके वो दूसरे आदमी को काटने लगती है। उधर दूसरी ओर मंदिर में पुजारी मंदिर के बारे में बताते हैं कि ये मंदिर सालों पुराना है, शिवलिंग का अभिषेक गंगा नदी से निकले पानी से होता है। अब कल्याण का कोई था नहीं, तो वो अपने दोस्त मारियो को शादी का शगुन लेने के लिए आगे करता है। तभी मारियो को उसके पिताजी का फोन आता है और मारियो बताता है कि अभी वो कर्नूल में उसकी दोस्त की शादी में है। और ये सुन के कि अभी मारियो कर्नूल में है, उसके पिताजी डर जाते हैं। मंदिर से बाहर निकलते हुए बूमा रेड्डी और वीरा रेड्डी का आमना सामना होता है।
वीरा रेड्डी पुजारी को कहते हैं कि बूमा रेड्डी के दामाद की अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर लो। उसी पुजारी से मारियो को ये पता चलता है कि जैसे ही शादी होगी वीरा रेड्डी कल्याण को मार डालेगा। तो ये बात वो कल्याण को बताता है कि यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन कल्याण उसे मजाक समझ के उसकी बात नहीं मानता। रात को मारियो देखता है कि नंदिनी किसी से हथियार ले रही थी और उसे शक जाता है, तो वो नंदिनी का पीछा करता है। लेकिन नंदिनी को पता था कि मारियो उसका पीछा कर रहा है, तो वो मारियो को फंसा देती है और घर के सब लोगों को बुलाकर मारियो पे झूठा आरोप लगाती है। तो बूमा रेड्डी उस पे गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन कल्याण के बीच बचाव से उसे छोड़ देते हैं। मारियो कल्याण को बताता है कि नंदिनी झूठी है, वो कुछ न कुछ गलत कर रही है। लेकिन कल्याण नहीं मानता और उसे पेन ड्राइव देके कहता है। वो बक्स तो उसने उसी दिन ठीक कर लिए थे, लेकिन वो चाहता था कि उसके दोस्त उसकी शादी में रहे, इसीलिए उसने वो पेन ड्राइव नहीं दी। अब ये पेन ड्राइव ले लो और यहाँ से चले जाओ। जब मारियो वहाँ से जाने ही वाला था कि मैगी उसे रोक लेती है और कल्याण को मना लेती है, और मारियो शादी रोकने के लिए कल्याण के दूध के ग्लास में नींद की गोली डाल देता है। तभी वहाँ नंदिनी आती है और कल्याण को शादी के लिए बुला के चली जाती है, और उसके जाने के बाद मारियो कल्याण को वो दूध पिला देता है। मारियो नंदिनी से कहता है कि कुछ ही समय में ये शादी रुक जाएगी। तभी मारियो को चक्कर आने लगते हैं। तब नंदिनी उसे बताती है कि उसने वो ग्लास बदल दी थी और मारियो बेहोश हो जाता है। तो दो आदमी आके मारियो को ले जाते हैं। बूमा रेड्डी की बेटी पुष्कला जब शादी के लिए तैयार हो रही थी, तब बद्रम वहां आता है और उसे काट लेता है, तो पुष्कला भी जोम्बी बन जाती है। लेकिन कल्याण को इसका पता नहीं था, तो वो शादी कर लेता है। गांव का एक आदमी आके बूमा रेड्डी को बताता है कि गांव में सब लोग अजीब बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो बूमा रेड्डी काशी रेड्डी को वहां छोड़ के गाँव में जाता है। अब शादी वाले घर में सब जोम्बी बन गए थे। मारियो नींद से जागता है और अपने दोस्त कल्याण से मिलने पहुंचता है, लेकिन कल्याण तो शादी के नशे में था। वो ये भी नहीं देख रहा था कि पुष्कला अब जोम्बी बन चुकी है। तभी वहां लाइट चली जाती है और कुछ लोग कल्याण को किडनैप कर लेते हैं। कल्याण को वीरा रेड्डी के आदमियों ने किडनैप किया था और ये मारियो देख लेता है। वो उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन तभी उसे नंदिनी टकरा जाती है और वो कल्याण को ले जाते हैं। वहाँ पुजारी भी जोम्बी बन चुका था। उसे देखकर नंदिनी डर जाती है। वहाँ सब जोम्बी बन चुके थे और वो जोम्बी नंदिनी और मारियो को काटने दौड़ते हैं। लेकिन तभी मैगी दरवाज़ा खोल के उन दोनों को अंदर बुला लेती है। अब वहाँ मैगी, मारियो, काशी रेड्डी और नंदिनी चारों ही बचे हुए थे और घर के चारों ओर जोम्बी थे। यहाँ मूवी का इंटरवल होता है। मारियो सबको बताता है कि ये एक खतरनाक वायरस है, ये जोम्बी दूसरे आदमियों को भी जोम्बी बनाते जाएंगे। जब तक सब आदमी जोम्बी नहीं बनते, ये नहीं रुकेंगे। और वो भी उन जोम्बी से बचने का प्लान बनाते हैं और वो भी मेकअप लगा के जोम्बी बन जाते हैं। तभी वहाँ पुष्कला आती है और वो उन्हें काटने को दौड़ती है, तो मारियो एक पतीला ला के उसके सर पे रख देता है, जिससे वो बच जाते हैं। अब ये प्लान तो फेल हो गया, तो मारियो अपने आप पे केरोसिन छिड़कता है, मतलब कि वो जोम्बी उनकी स्मेल से उनके पहचान रहे थे। केरोसिन से वो उन्हें स्मेल नहीं कर पाएंगे। मारियो बाहर आता है तो सब जोम्बी उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, लेकिन केरोसिन की वजह से वो उसे काटते नहीं। तभी वहाँ मासी रेड्डी आता है जो शराब के नशे में चूर था, और सब जोम्बी मारियो को छोड़ के मासी रेड्डी को काटने जाते हैं। लेकिन समय रहते मारियो गाड़ी लेके सबको बचा लेता है और वीरा रेड्डी के घर कल्याण को बचाने पहुंचता है। मासी रेड्डी शराब के नशे में था, तो मैगी को वहीं उसका ख्याल रखने को बोल के वो तीनों वीरा रेड्डी के घर में घुस जाते हैं। वहां वो वीरा रेड्डी के पिताजी कोंडा रेड्डी को छुपा देते हैं, तो वीरा रेड्डी के आदमी उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं और मारियो कल्याण को छुड़ा लेता है। लेकिन वहां एक और लड़की बंधी हुई थी। जब मारियो उसे छुड़ाता है तो वो बताती है कि वो बुक्का रेड्डी की बेटी नंदिनी है। तो मारियो सोचता है कि वो कौन थी जो अपने आप को नंदिनी बता रही थी, और वो थी वीरा रेड्डी की बेटी शैलजा रेड्डी, जो कल्याण को मारने वहां गई थी। और उनके आदमी मारियो समेत सबको पकड़ लेते हैं। शैलजा मारियो पे नजर रख रही थी, उसे लगता था कि वो कल्याण को बचाने आया है। जब कल्याण का किडनैप हुआ तब वो वहीं था। जब मारियो कल्याण को बचाने दौड़ा तब शैलजा उसे जानबूझ के टकराई थी ताकि मारियो उसे बचा न ले। जब मारियो पूछता है कि आखिर क्यों ये सब कल्याण को मारना चाहते हैं, वीरा रेड्डी उसकी बहन को दिखाकर बताता है कि बूमा रेड्डी के भाई प्रताप रेड्डी के साथ उनकी बहन की शादी तय हुई थी, लेकिन प्रताप रेड्डी किसी और लड़की को लेकर भाग गया और शादी कर ली। तब से उसकी बहन पागल हो गई और बूमा रेड्डी को इस बात का, इस दर्द का एहसास दिलाने के लिए वो उसके दामाद कल्याण को मारना चाहता है। जब मारियो प्रताप रेड्डी की फ़ोटो देखता है तो वो उसके पिताजी थे, और कल्याण ये बात सबको बता देता है कि मारियो प्रताप रेड्डी का
बेटा है। वीरा रेड्डी उसे मारना ही वाला था कि उसके पिताजी कोंडा रेड्डी वहाँ पहुँच जाते हैं और कोंडा रेड्डी को चलता देख वीरा रेड्डी खुश हो जाता है, लेकिन जोम्बी के काटने से कोंडा रेड्डी भी जोम्बी बन गया था। कोंडा रेड्डी वीरा रेड्डी को काटने ही वाला था कि मारियो शैलजा को बताता है कि वो जोम्बी है और शैलजा अपने पिताजी को काटने से बचा लेती है। मारियो वीरा रेड्डी की बहन को मारने की धमकी देकर वहाँ से गाड़ी में बैठकर भाग जाता है, तो वीरा रेड्डी और उसकी बेटी उनका पीछा करते हैं, लेकिन दूसरी गाड़ी में कोंडा रेड्डी बैठा था, वो सब आदमियों को जोम्बी बना देता है। वो मेले में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से ही जोम्बी के कारण भगदड़ मची थी। शैलजा देखती है कि कई सारे जोम्बी उनके पिताजी को लेकर एक घर में चले गए और वो समझती है कि उनके पिताजी भी अब जोम्बी बन चुके होंगे, तो वो उन जोम्बियों को मारना शुरू कर देती है। पूरा गाँव अब जोम्बी बन चुका था, अब वो पाँचों उनका डटकर मुकाबला करते हैं, उन जोम्बी को मारने लगते हैं। तभी मैगी के सामने बद्रम आ जाता है और बद्रम दोस्त होने के कारण वो उस पर गोली नहीं चला पाती और बद्रम मैगी को काट लेता है। अब मारियो सभी जोम्बी को चीर कर वहाँ से गाड़ी निकाल लेता है। शैलजा ने अपने पिताजी को खोया था और मारियो ने अपने दोस्त को, तो वो दोनों दुखी थे। मारियो उसी जगह पहुँचता है जहाँ जोम्बी ने बद्रम को काटा था और जंगल में जाने के बाद वो उस घर को भी ढूंढ लेता है। वहाँ उस जोम्बी को बांधा गया था और एक आदमी को बेड पे लेटाया गया था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उस जोम्बी को ले गया था। आगे वो बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया है क्योंकि वो गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट करता था। वो कोरोना की वैक्सीन बनाना चाहता था, लेकिन उस वैक्सीन को वो सीधा इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करता था, जिसके चलते एक्सीडेंट से कोरोना से भी खतरनाक वायरस बन गया और लोग जोम्बी बन गए। आगे वो बताता है कि उसने उसकी दवाई बना ली है। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और वो जोम्बी छूट जाता है, तो वो सब बाहर भागने लगते हैं और भागते हुए शैलजा वहाँ गिर जाती है, तो वो जोम्बी उस पर वार करता है, लेकिन मारियो उसे रोकता है। तभी बूमा रेड्डी वहाँ आकर उस जोम्बी को मार डालते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ से भागते वक्त मारियो ने उस साइंटिस्ट का कैमरा चुरा लिया था जिसमें उसने सब रिकॉर्ड किया था। उस कैमरा में जब वो इस वायरस की दवाई बताने ही वाला था कि वो कैमरा बंद हो जाता है। उन सबको बूमा रेड्डी मंदिर ले जाता है, लेकिन शैलजा उस मंदिर में जाने से इनकार करती है क्योंकि उसको उस जोम्बी ने नाखूनों से काटा था, तो वो भी थोड़ी देर बाद जोम्बी बन जाएगी। लेकिन फिर भी मारियो उसे मंदिर ले आता है। मंदिर के अंदर आके वो बताता है कि उस साइंटिस्ट ने इस जोम्बी की दवाई इसी मंदिर में खोजी थी, तो वो दवाई इसी मंदिर में होनी चाहिए। तभी वहाँ उस मंदिर में वीरा रेड्डी आता है जो कि अभी तक जोम्बी नहीं बना था। वहाँ वीरा रेड्डी के बताने पर बूमा रेड्डी को पता चलता है कि मारियो उसके भाई का बेटा है। आगे वो मारियो को बताता है कि उसके भाई ने उसे कुछ बताया नहीं था और जाके शादी कर ली। अगर उसे पता होता तो वीरा रेड्डी की बहन से उसकी शादी तय नहीं करता और वीरा रेड्डी और बूमा रेड्डी वापस दोस्त बन जाते हैं और दोनों मिलके मंदिर का दरवाजा संभाल लेते हैं क्योंकि मंदिर के बाहर जोम्बी थे और मारियो को दवाई ढूंढने को कहते हैं। तभी शैलजा भी जोम्बी बन जाती है और मारियो पे वार करने लगती है। मारियो शंख बजा के गाँव के सारे जोम्बियों को मंदिर बुलाता है क्योंकि उसे दवाई मिल गई थी। जब शैलजा जोम्बी बन गई थी तब उस पर शिवलिंग का गिरा गंगा का पानी डाला गया तो वो धीरे धीरे ठीक हो गई। तो मारियो गांव के सारे जोम्बी के लेकर उस शिवलिंग का पानी जहां इकट्ठा हो रहा था वहां पहुंचता है और उस पानी में छलांग लगा देता है और उसके पीछे पीछे सारे जोम्बी उस कुंड में गिरने लगते हैं और जोम्बी से आम आदमी बन जाते हैं। अब पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। प्रताप रेड्डी उसके बेटे की फोटो पेपर में देख के खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार साथ खाना खाने बैठता है। तभी वहाँ कोंडा रेड्डी आता है जो अभी तक जोम्बी था। वीरा रेड्डी अपने पिताजी को चलते हुए देखना चाहता था तो उसने उसको गंगा के पानी से नहीं नहलाया। दादी बताती है कि जब प्रताप घर से भागा तो सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन क्या किसी ने ये जाना कि उसके साथ घर की नौकरानी भी गायब थी, मतलब कि प्रताप अपने घर की नौकरानी के साथ भागा था। ये बात सुन के मारियो चौंक जाता है और मूवी खत्म। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।